जयप्रकाश टाटवाटी जो मेरा स्टूडेंट है वो आ रहा है भोपाल से, तो उसके लिए मुझे अभी एक छोटा सा काम करना है। वो एक ब्लॉग बना रहा है, उसका भी ब्लॉग चैनल है, तो वो एक मुझे सरप्राइज कर रहा है। मुझे उसको लग रहा है कि मुझे पता नहीं है, और मुझे पता है इसलिए कि गणेश ने मुझे बताया। गणेश एयरपोर्ट उसको लेने भी गया और डायरेक्ट घर पे आ रहा है। बस मुझे एक्टिंग करना है, मैं कैमरा कहीं ना कहीं फिट कर दूंगा और बस आप मेरी ओवर एक्टिंग देख लो और कुछ नहीं। जैसे आएगा वैसे कैमरा फिट होगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं एक्टिंग। लॉक कैसे गया समझ में नहीं आ रहा है। हाय मजा आ गया वीडियो। ये मुझे बता तो देता भाई, बता तो देता सरप्राइज होता क्या भाई। अरे यार मस्त लग रहा है। एक बार हाय कर क्या रहा है। हाय कर। हाय हाय बना रहा है। अरे सर को मिल गया और सरप्राइज लगा दो सर को। डरे क्या नहीं डरा, इतनी तेज चिल्लाए तो डर। भाई सच बोलू तो गणेश ने बताया मेरे को, जो भी है डायरेक्ट क्लियर बात करता हूँ। भाई कितना भरोसा किया। कभी बता बता भाई, रात को जब मैं पापा के हॉस्पिटल में जा रहा था उस टाइम पे, जब समझ में आता एयरपोर्ट जाता, मैंने बोला देख आएगा तो कौन आएगा, एक मंजीत पाजी आएगा, एक तू आएगा। तो अभी मैंने ये भी बोला कि 100% जयप्रकाश आएगा, क्योंकि एक दिन पहले भी तुमको मैसेज किया था। कसम का मम्मी कसम का आप कसम। देख देख मेरे को बोला तो अन्य मत बोलना, अगर बोल दिया गणेश को तो वो हो जाएगा ताले। और मेरे को ही बता रहा है, रहता ही नहीं है कुछ। मैंने बोला था सरप्राइज, इसको मत बताना। गुरु बना तो किसको बताओ। अरे यार तुम लोग ना एक्टर तो, अरे भाई एक्टर तो अच्छे बनो यार, एक्टर तो अच्छे बनो। अच्छा एक्टर तू पहले हंसते है। हमारा खतरनाक बोट खतरनाक बोट है वो। ये बोट के लिए बहुत मेहनत करने पड़ा, बस ये बोट के लिए हमको 30,000 लाइक चाहिए। 30,000 एक एक खाली पैसा जोड़ के बना, एक एक पैसा समझ सकते हो, पैसे के लिए बोट के लिए जमा करके बोट बनाया। गाइस सर का फाइनली टैटू कंप्लीट हो चुका है, सी दिस डिटेलिंग गाइस। तो सर कैसा लगा आपको यहाँ आके? एक नंबर बेस्ट स्टूडियो है इधर। सो अभी वन मोर टैटू एक स्टार्ट करना है, तो मैम का कवर अप है ना। नहीं फ्रेश टैटू है, तो फ्रेश टैटू ये वाला देखो, ये वाला 3D स्कॉर्पियो मारने में। तो स्टार्ट करते हो चुका है और ये क्लीन कर रहे सर। वाह बिच्छू है यार, डेंजर है। इसका रीजन बताओ ना मैम, आप क्यों बिच्छू क्यों बनाए, ऐसा कुछ रीजन बताओ ना। क्या हो सकता है, आप गेस करो, आपने इतना टैटू बनाते हो। मैं कभी लाइफ में बिच्छू नहीं बनाया। तो इतने लोग आते हैं मैम, हमेशा लोगों को डंग मारती है। बता ना क्यों बिच्छू को, जब तक ना एक्चुअली बिच्छू लकी रहता पैसा ज्यादा था, इसलिए बिच्छू को जब तक ना तुम छेदोगे बिच्छू डंग नहीं मारेगा। इसको बिच्छू खाते भी है ना, पता नहीं बिच्छू को नहीं खाते, केकड़ा खाते हैं। बिच्छू तो नहीं खाते, केकड़ा खाते हैं आप। चलिए काम करूँ, मैं भी घसू मैं भी घसू। आपका हाथ पैर घसू, हाथ पैर घसू। अरे सर ऐसा बोलो मत, मैं भी तुम्हारे ऐसे मेहनत करके आगे बढ़ा, ऐसा बोलो मत। मैं भी बचपन में बहुत किया, स्टेशन में काम करता सब करते। सर प्राइमर मारेंगे और बोलते रात को इधर नहीं रहने पड़ेगा, मत मारो मेरा घर यही है। नागपुर से है मेरे लिए टाटू करने, मेरा थोड़ा सा काम बाकी था गाइस बाहर का, बट नहीं हो पाया। पहले भाई का टाटू करने को बहुत दूर से आया ना, तो मैं सच्ची बोलूँ पास होता है मैं डायरेक्ट बोलता पोस्टपोन करता, बट अभी दूर से आया तो भाई हक बनता है उसका। सो अभी स्टार्ट करते हैं भाई का टाटू, उसके
इसका रीज़न मैं बताता हूँ कि ये टैटू करने का राज क्या है। सो गाइस, इनके मॉम डैड का एनिवर्सरी है तो उनको तो ये सरप्राइज कर रहे हैं स्पेशली, तो दो या तीन दिन बाद है राइट। तब तक तो कब तक छुपाओगे, पर बताओगे नहीं? नहीं कैसे फिर क्या करोगे? मम्मी तो मम्मी को तो पता ही चलेगा। हाँ देखते हैं, फुल स्लीव, फुल स्लीव है ना, वही बेटर ऑप्शन है। अरे चलेगा चलेगा। तो गाइज ये वाला काम चल रहा है, तो यहाँ पे अभी प्राइमर मार रहे हैं लोग। सो आज पूरी रात ये काम करने वाले हैं। यहाँ पे जितने पार्ट दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे कांच आने, मतलब पूरा ये गोल्डन कांच दिख रहा है आपको, गोल्डन मिरर, एक गोल्डन मिरर आने वाली है। सो अभी इसके ऊपर फिर से पेंट आना था, ये सूखने के लिए थोड़ा सा अभी और टाइम लगने वाला है, 5-6 घंटे। उसके बाद फिर कलर, मतलब बस बहुत ज्यादा काम है। तो ये लोग रात दिन काम कर रहे हैं। काउंटर यहाँ पे था तो काउंटर अभी यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। बाबा रे बहुत नशा आ रहा है, नशा बहुत गंदा आ रहा है। यहाँ पे ज्यादा टाइम रह नहीं सकते, यार देखो पूरा बाल हो गया नाक में, ऊपर थिनर का स्मेल बहुत ज्यादा आ रहा है। तो ये देख सकते हो, ये दिख रहा है आपको डिफरेंस, ये देखो डिफरेंस देखो, पूरा प्राइमर है, पूरा प्राइमर यहाँ पे देखो, पूरा प्राइमर। इसकी वजह से ना बहुत गंदा सीन हो रहा है। तो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि ये पूरा पैक कर देंगे, तो यहाँ पे पूरा कुछ खराब नहीं होगा, सिर्फ इतना ही पार्ट खराब होते, प्लास्टिक खराब होते चलेगा यार, मेरा शॉप नहीं खराब होते। थोड़ा सर ने मेरे को थोड़ा 15-20 मिनट पहले बोलते ना कि ये ऐसा होने वाला है, तो भाई यार मैं पहले ही बोल देता मेरे पास प्लास्टिक है आप ये लगा दो, पर सर ने बहुत लेट कर दिया। तो ये पूरा हम लोग अभी पूरा पेपर से पैक करेंगे, जिससे अभी यहाँ पे प्लाईवुड लगा दिया ये वाला, तो ये पूरा कवर हो गया। जितना ये गैप दिख रहा है यहाँ पे पेपर आएगा, ये पूरा कॉलम पेपर आएगा और ये वाला पेपर आएगा, तो ये पूरा कवर हो जाएगा सेम ऐसा। तो यहाँ पे गणेश सो रहा है, ये गणेश है, ये रोहित है, तो ये लोग यहाँ पे रहने वाले हैं। घर जाता हूँ, फटाफट एडिट करता हूँ, कल वीडियो अपलोड करना है ना आप लोगों को, यार कुछ ना कुछ अपडेट देना है यार। तो आप लोग बोलेंगे यार महेश जैसे डेली अपडेट बोल रहा है, डेली ब्लॉग बोल रहा है, पर डालता तो नहीं है, बीच में से 4 दिन डालता है, उसके बाद फिर 5वें दिन वही होता है। तो इसकी वजह से मैं एकदम अभी सोच माइंड में सेट कर लिया कि मेरे को ब्लॉग डालना है, डालना है, चाहे कुछ भी हो जाए।